साथ मीनू चौहान, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर की शुरुआत भूसावर उपखंड से करते हैं, जहां ग्राम पंचायत निठार स्थित राजकीय आवासीय बालिका कस्तूरबा गांधी विद्यालय में दूषित पानी के सेवन से एक दर्जन से अधिक छात्राएं बीमार पड़ गईं। वहीं छात्राओं के बीमार होने की सूचना पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन के निर्देशन पर भूसावर उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह और बीसीओ डॉक्टर बी एल मीना निठार स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय पहुंचे। सूचना पर भूसावर से मेडिकल टीम रवाना की गई, जिनके द्वारा बीमार छात्राओं का उपचार किया गया। साथ ही अधिकारियों ने विद्यालय में खान पान की व्यवस्था के बारे में जानकारी लेते हुए व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश भी दिए। विधानसभा क्षेत्र चाकसू में राष्ट्रीय जनसमर्थन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अजीत भास्कर के निर्देशन पर राष्ट्रीय जनसमर्थन पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष फरंती देवी मीणा ने आगामी विधानसभा के चुनाव को देखते हुए पार्टी में पदाधिकारी व सदस्यों को जोड़ते हुए विस्तार किया है, जिसको लेकर चाकसू विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष पद पर सत्यनारायण शर्मा शिवदासपुरा को नियुक्त किया है। उनके पूर्व के सामाजिक कार्य और संघर्ष को देखते हुए उन्हें चाकसू ब्लॉक अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इस दौरान शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें आला कमान द्वारा जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे दायित्व निष्ठा के साथ पूर्ण तरीके से निभाएंगे। एयू फाउंडेशन द्वारा आयोजित दो दिवसीय खेलकूद स्पर्धा में खिलाड़ियों ने 26 मेडल लाकर ग्राम पंचायत रालावास गांव का मान बढ़ाया। इस दौरान खिलाड़ियों के कोच हीरालाल महावर ने कहा कि 26 खिलाड़ियों ने गांव का नाम रोशन किया है। साथ ही कहा कि वे बच्चे ग्राम पंचायत में खेल मैदान न होने के कारण बालक बालिकाओं को मजबूरन सड़क पर तैयारी करवानी पड़ रही है। इस प्रतियोगिता में बालिकाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। यदि इनके लिए खेल मैदान एवं खेल सामग्री मुहैया कराई जाए तो बच्चियां अपने गाँव के साथ अपने जिले का भी नाम रोशन कर सकती है। भाजपा युवा नेता अनूप यादव के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव का टपुकड़ा पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सब ने हमेशा प्रेम व ताकत दी है, हम आपके साथ मिलकर इलाके के विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। भिवाड़ी में जिस तेजी से विकास हुआ है, कांग्रेस सरकार के राज में उतनी ही ज्यादा कानूनी व्यवस्था बदतर हुई है। बता दें, इस अवसर पर पूर्व विधायक किशनगढ़ बांस रामहेत सिंह यादव, जिला अध्यक्ष बलवान सिंह यादव, अलवर विधायक संजय शर्मा सहित समस्त भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय केंद्र शक्ति कुंज में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बता दें, इस महोत्सव में मुख्य अतिथि अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे व न्यायिक दंडाधिकारी भारती कुलदीप रहे, जिन्होंने ब्रह्म कुमारी शक्ति कुंज में दीप प्रज्वलन कर महाशिवरात्रि पूजन का शुभारंभ किया। इस दौरान न्यायिक दंडाधिकारी कुलदीप भारती ने कहा कि यहां के अध्यात्म योग व संस्कार का ही परिणाम है कि बड़ों के साथ बच्चे भी संस्कारित हैं। इन बच्चों के माता पिता प्रशंसा के पात्र हैं, जो बाल्यकाल से उनके भीतर संस्कार का बीज रोपण कर रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के समापन पर सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सबसे पहले तो इस महाशिवरात्रि पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस अवसर पर हमें इस ब्रह्म कुमारी संस्था पवित्र जगह पे बुलाया गया है। यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अद्भुत और अवर्णनीय यहाँ पर हमें अनुभव हुआ है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हम इसके द्वारा हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जितने भी जो सभी भाई बहन हैं, वह इस संस्था से जुड़े, कम से कम इसके विचारों को सुने और कुछ अनुकरण करें। इन दिनों नोहर तहसील के गांव बीरकाली में पीट पीट कर हत्या कर देने के मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें, इस दौरान गोस्वामी समाज के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल भारती ने भी पुलिस थाना नोहर के आगे धरना दिया। वहीं धरने पर बैठे बाबूलाल भारती व कामरेड मंगेश चौधरी ने कहा कि घटना को 10-12 दिन बीत जाने के बाद भी मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। साथ ही धरनाधिकारियों ने कहा कि पुलिस का कोई उच्च अधिकारी जब तक वार्ता नहीं करता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। मुकेश गिरी हत्याकांड में शेष जो भी मुलजिम हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार करने की मांग है।
अभी तक पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार किए हैं। अभी तक पुलिस का जो रुख है वो बिल्कुल नकारात्मक है। मुकेश गिरी हत्याकांड को आज 11 दिन बीत जाने के बाद विशेष मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं होने के कारण आज सर्व समाज ने और गोस्वामी समाज ने मिल करके यहाँ मापड़ा और रखा है। सुबह 11 बजे से हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ बैठ करके इस बात के लिए बैठे हैं कि मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक पुलिस। राजसमंद में शिवरात्रि के महोत्सव पर जिले भर में शिव देवालयों में भोले बाबा के दर्शनों का तांता लगा रहा। इस दौरान मंदिरों में रुद्राभिषेक भी किए गए। वहीं जिले की सबसे बड़ी शोभा यात्रा नगर पालिका द्वारा निकाली गई। बता दें ये शोभा यात्रा श्री राम धर्मशाला से शुरू होकर वेवर महादेव मंदिर पहुंची। इस दौरान पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा ने कहा कि शोभा यात्रा में भगवान की विद्युत झांकियां, मारवाड़ का गेर नृत्य व कई करतब दिखाए गए। वहीं शोभा यात्रा को देखने के लिए जिले भर से सैकड़ों भक्त पहुंचे। विशेष आकर्षण का केंद्र क्या रहा इसको लेकर? दिल्ली की और आगरा की झांकियां है। मेरा गांव में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पार अमर सिंह अध्यापक द्वारा शिवरात्रि के अवसर पर रात्रि को चार पहर की पूजा रखी गई। बता दें ये आयोजन विधि विधान एवं देविक मंत्रों के उच्चारण के साथ पूर्ण हुई। वहीं पार अमर सिंह ने ये पूजा विश्व में अमन चैन एवं सुख शांति के लिए करवाई थी। बता दें चार पहर की ये पूजा चार जोड़ों के द्वारा की गई। साथ ही इस अवसर पर सैकड़ों महिला और पुरुषों ने व्रत रख कर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए आपका अपना VMR।